गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग समाकलन के आगे प्रश्नावली को बनाने से पहले एक एक चीज़ें देखते हैं। आईलेट होता क्या चीज़ है ना, ये आप लोगों का आईलेट बहुत ही काम का चीज़ है और ये आगे जाके हर एक समाकलन में ना प्रयोग होता है ना। और ये चाहे कॉलेज लेवल हो, चाहे कॉम्पिटिशन हो, चाहे आगे जाके नेट सेट का तैयारी करोगे है ना, तो आईलेट का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। आईलेट एक क्रम से दिया गया है ना, आई का मतलब होता है इनवर्स फंक्शन प्रतिलोम फलन है ना, जैसे कि साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, इनवर्स वाला जितना फॉर्म है ना, छः होता है। लॉग रिदिन फंक्शन लघुगण किया, लॉग एक्स है ना, लॉग एक्स स्क्वायर, लॉग टू एक्स, जितना भी लॉग के फॉर्म में है। एलजेब्रिक फंक्शन बीजगणितीय फलन, आप लोगों ने पढ़ा होगा जो एक्स के फॉर्म में होता है, एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन त्रिकोणमितीय फलन आप लोग जानते हैं, छः होता है, साइन कॉस टेन कॉस एक्स सेक कॉट। एक्सपोनेंशियल फंक्शन चर घातांकीय फलन जो ई का पावर में होता है, ई का पावर एक्स, ई का पावर टू एक्स, ई का पावर थ्री एक्स। तो ऐसे पांच फंक्शन आप लोगों के होते हैं। इसी क्रम में हम लोगों को देखना, इलेवंथ में हम लोग ये फॉर्मूला पढ़े थे, समाकलन में दो फलनों को कैसे अगर इनटू के फॉर्म में रहेगा तो उसको कैसे हल किया जाता है। तो ये भी मतलब फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन है ना, ये दो गुणा तीन छः होता है, तीन गुणा दो भी छः होता है, लेकिन समाकलन में ये याद रखेंगे यू उसी को मानेंगे जिसका अवकलन होता है और भी उसको मानेंगे जिसका समाकलन होता है, क्योंकि पूरे सूत्र में कहीं भी यू का समाकलन नहीं हुआ है ना। जैसे यू भी का समाकलन है ना, फिर क्या है यू का अवकलन, फिर भी का समाकलन। तो जितना भी आप लोग का टॉपिक है ना ये फॉर्मूला, इसमें किसका समाकलन हुआ है, केवल भी एक फंक्शन का केवल समाकलन हुआ है, जबकि दूसरे फंक्शन का क्या हो रहा है आप लोगों का अवकलन हो रहा है। तो जब भी क्वेश्चन को देखेंगे एक बार है ना, ध्यान से देखेंगे कि किस फंक्शन का समाकलन होता है और किसका नहीं होता है ना, जिसका होता है उसको भी मानेंगे, जिसका नहीं होता है उसको यू लेंगे। बनाने का क्रम क्या है, अगर क्वेश्चन इनवर्स के फॉर्म में रहेगा उसको यू उसको मानेंगे यू है ना, लॉगरिदम के फॉर्म में रहेगा और एलजेब्रिक के में तो इसको यू मानेंगे, अगर ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स रहेगा तो इसको यू इसको भी, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल रहेगा तो इसको यू इसको भी है ना, इस क्रम में मानना है। पहले अगर आई रहेगा तो इसको यू है ना, एर रहेगा तो उसको यू, ए टी ई। तो क्वेश्चन देखते हैं ज़्यादा क्लियर ही होता है आप लोगों का है ना। तो एक क्वेश्चन इस प्रकार है आपका, एक्स स्क्वायर ई का पावर एक्स का क्या निकालना है, समाकलन ज्ञात कीजिए है ना एक्स के सापेक्ष। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, तो एक्स स्क्वायर का समाकलन जो होता है वो क्या होता है, एक्स का घात तीन बट्टे तीन होता है ना, जबकि ई का पावर एक्स का क्या होता है, ई का पावर एक्स। तो इसका डायरेक्ट समाकलन नहीं हो रहा है, इसका डायरेक्ट समाकलन हो रहा है। तो यहाँ से ई का पावर एक्स को क्या मानूंगा, भी एक्स स्क्वायर को क्या मानूंगा, यू। अब हमको पता है चूंकि एक बार फॉर्मूले को आप लोग को लिखना है, यू भी डी एक्स बराबर यू है ना, फिर समाकलन का चिन्ह भी डी एक्स माइनस होता है, समाकलन का चिन्ह बड़ा कोष्टक डी वाई डी एक्स यू, फिर समाकलन भी डी एक्स, ये फॉर्मूला होता है ना। तो आप लोग को सबसे पहले यू, यू की जगह क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर, भी की जगह ई का पावर एक्स, डी वाई डी एक्स यू की जगह एक्स स्क्वायर है ना, ई का पावर एक्स डी एक्स, पूरे का क्या हो जाएगा डी एक्स। ठीक, उसके बाद एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ई का पावर एक्स का ई का पावर एक्स होता है, एक्स स्क्वायर का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, टू एक्स होता है, ई का पावर एक्स का क्या होगा, ई का पावर एक्स, इधर क्या हो जाएगा डी एक्स, फिर से आ गया है ना। तो फिर से इसको क्या मानेंगे हम लोग, यू, और इसको क्या मानेंगे, भी। तो इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई का पावर एक्स, इसको बनाओगे तो आप लोग आई वन मान सकते हैं ना, आई वन मान के इसको क्या देंगे, समीकरण एक, एक्स स्क्वायर ई का पावर एक्स डी एक्स। फिर से हम लोग माना यहाँ पे जो भी आई वन बराबर क्या है, टू को बाहर निकाल दीजिए है ना, वहीं से तो आपका टू निकल जाएगा, एक्स ई का पावर एक्स डी एक्स, फिर से यू भी लगाएंगे तो क्या होता है, सबसे पहले यू, यू मतलब क्या हो जाएगा आपका एक्स, फिर क्या हो जाएगा ई का पावर एक्स, फिर क्या हो जाएगा माइनस है ना, फिर क्या हो जाएगा समाकलन का चिन्ह बड़ा कोष्टक डी वाई डी एक्स एक्स इंटू क्या हो जाएगा ई का पावर एक्स डी एक्स, पूरे का क्या हो जाएगा डी एक्स। तो ये हो जाएगा टू है ना, यहाँ से क्या ले सकते हैं हम लोग, एक्स ई का पावर एक्स माइनस एक्स का होता है एक, ई का पावर एक्स का ई का पावर एक्स डी एक्स,
फिर से ई का पावर एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर एक्स, है ना। अब समीकरण एक में वैल्यू को पुट करेंगे आई वन का, तो एक्स स्क्वायर ई का पावर एक्स डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर ई का पावर एक्स माइनस टू एक्स ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर एक्स। दो को अगर कोष्टक खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर ई का पावर एक्स माइनस टू एक्स ई का पावर एक्स माइनस क्या हो जाएगा टू ई का पावर एक्स। इसको और भी बना सकते हैं, या तो यहाँ से ई का पावर एक्स को सबसे कॉमन निकाल सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस टू ई का पावर एक्स प्लस सी, यहाँ सी क्या है समाकलन नियतांक, यहाँ भी सी डाल सकते हैं, है ना, यहाँ पे भी सी डाल सकते हैं। तो ये आप लोगों का आंसर है, लंबा जरूर है ना, लेकिन आप लोग का आसान है, बीच में देखना यहाँ तो एक बार मिला है, आप लोग और भी ऐसा रहेगा कि इसको हल करेंगे तो फिर एक बार आई टू मिलेगा, उसको फिर से यू भी से तोड़ना है आप लोगों को, है ना, और ऐसे आप लोगों को क्वेश्चन को बनाते हुए जाना है, आप लोग का फाइनली आंसर आएगा, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो चार या छः अंक का ही आएगा, थोड़ा सा लंबा है, सबसे सरल है, बेस्ट है, एक ही फॉर्मूला है, बाकी थोड़ा सा लंबा बनता है ना। तो ऐसे ही आप लोग का प्रश्नावली 9 का पहला प्रश्न का सब ऐसे ही इसी फॉर्म में बनेगा, अलग से कोई फॉर्मूला नहीं है, है ना। आप लोगों को किसको यू मानना है क्लियर हो गया, किसको भी जिसका समाकलन होता है उसको भी मानना है, जिसका समाकलन नहीं होता है उसको यू मानना है, है ना। यू भी मानने के बाद भी बीच में टी का ऑप्शन आ सकता है कि टी मानने का, है ना, तो आप लोग वो सब देखना है, या तो आप लोग डायरेक्टली बना सकते हैं। तो आप लोगों का पूरा प्रश्नावली ऐसे बनेगा, है ना। तो आप लोगों को थोड़ा होमवर्क दे रहा हूँ, अभी आप लोगों का 11 12 है ना 13 14 और 15 ऐसे आप लोग 5-3 जो बचे हैं 11 से 15 तक, उस बीच में आप लोग का क्लास नहीं लगेगा, है ना, मैथ्स का क्लास हम लोग के घर में कुछ काम होने के कारण। तो आप लोगों को क्या हुआ, सब क्वेश्चन जैसे प्रश्नावली 9 हुआ, है ना, प्रश्नावली 10 हुआ, प्रश्नावली 11 हुआ, है ना, और आप लोगों का प्रश्नावली 12, ये जो चार प्रश्नावली आप लोग को होमवर्क है, इस 5 दिन के अंतर्गत आप लोग को 12 प्रश्नावली बना के मेरे पास भेजना है, है ना। जिसका डाउट होगा आप लोग 13 के बाद या 13 तारीख से कॉल कर सकते हैं, 11-12 दो दिन मेरा काम रहेगा, है ना। तो आप लोग को 4 प्रश्नावली बनाना है, 9 प्रश्नावली तो आप लोग का क्लियर हो गया, 10 प्रश्नावली में आप लोग को इस प्रकार क्वेश्चन मिलेगा, थोड़ा देखते हैं, जैसे कि एक्स, जैसे कि सिर्फ लॉग एक्स है ना, तो लॉग एक्स का समाकलन कैसे करेंगे, इसमें तो दूसरा फलन है ही नहीं, और लॉग एक्स का ना ही क्या होता है आप लोग को डायरेक्टली क्या होता है समाकलन होता है, है ना, लॉग एक्स का अवकलन होता है 1/x। तो यहाँ पे जिसका कुछ नहीं है उसका क्या लेंगे, 1 लेंगे, है ना, जिसका कुछ नहीं होता उसको क्या लेंगे, 1 लेंगे, और इसको जब बनाएंगे हम लोग, है ना, तो यू को क्या मानेंगे, भी, और लॉग एक्स को क्या मानेंगे, यू। क्यों ऐसा मानेंगे, क्योंकि 1 का समाकलन होता है एक्स होता है ना, जबकि लॉग एक्स का क्या होता है, अवकलन होता है। तो इस क्वेश्चन को जब बनाएंगे तो सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका लॉग एक्स डी एक्स बराबर यू, यू की जगह क्या हो जाएगा लॉग एक्स समाकलन 1, फिर माइनस का चिन्ह है ना, समाकलन बड़ा कोष्टक, फिर डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, फिर क्या हो जाएगा 1 का समाकलन पूरे का डी एक्स, है ना, लॉग एक्स का लॉग एक्स, 1 का समाकलन एक्स होता है, लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है 1/x, लॉग एक्स का, है ना, 1 का क्या होता है आप लोग का एक्स होता है, एक्स और एक्स क्या हो जाएगा कटेगा, फिर से 1 ही मिलेगा, तो लॉग एक्स इंटू एक्स माइनस क्या हो जाएगा 1 का समाकलन एक्स, एक्स को बाहर निकाल दूंगा तो लॉग एक्स माइनस 1, है ना, एक्स बाहर आ जाएगा प्लस क्या हो जाएगा आपका सी, ये हमारा आंसर है ना। तो लॉग एक्स सिर्फ रहेगा तो वहाँ पे 1 लेना है, अगर सामने में आप लोग का एक्स लॉग एक्स रहेगा तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को, है ना। वैसे क्वेश्चन में हम लोग क्या लेंगे, है ना, लॉग एक्स को यू लेंगे और एक्स को क्या लेंगे हम लोग भी लेके बनाएंगे, आंसर आएगा। तो आपका जो प्रश्नावली 10 है सब लॉग के बेस में है, है ना, ठीक। उसके बाद आप लोग का प्रश्नावली जो 3 है, सॉरी मतलब 11 है, वो त्रिकोणमिति के फॉर्म में है, तो त्रिकोणमिति का तो पता है आप लोगों को, किसको सेग स्क्वायर एक्स का होता है, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, भी मानेंगे और इसको यू, है ना, आप लोग का आइलेट का प्रयोग से भी अल्जेब्रिक फंक्शन को यू और त्रिकोणमिट्री को भी, तो इसको यू मानेंगे, इसको भी लेंगे, है ना। तो ये आप लोग को बनाना है प्रश्नावली 11 का, उसी प्रकार उदाहरण में और एक क्वेश्चन दिया है, प्रश्नावली 12 में आप लोग का इन्वर्स का क्वेश्चन दिया है, उदाहरण एक बार बनाएंगे, उदाहरण बनाएंगे तो प्रश्नावली बनेगा आप लोगों का। तो इस प्रकार आप लोग को 4 प्रश्नावली को आप लोगों को 5 दिन के अंतर्गत बना के भेजना है, जो भी डाउट होगा 13 के बाद आप लोग को बनाना है, एक दूसरे से भी डिस्कस करके बना सकते हैं, है ना।
इस प्रकार 12 तक आप लोग को ख़त्म कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास 16 को 13 प्रश्नावली से आगे बनाएंगे। जो भी डाउट रहेगा उसका एक वीडियो आप लोग को अपलोड किया जाएगा। धन्यवाद।